जी दोस्तों नमस्कार सत श्री अकाल। मैं तुहाडा सुखी चहल सैन फ्रांसिस्को कैलीफोर्निया की धरती तो तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। तुहानू भी पता है कुछ दिन पहला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होरां वल्लों एक अहम फैसला लिया गया है सिखां लई पंजाबियां लई और सारयां दे लई, जिहदे विच उन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते साहबजादा बाबा फतेह जिंदर सिंह जी का शहीदी दिवस जिहड़ा वो हर साल 26 दिसंबर नूं वीर बाल दिवस वजों मनाउण दा एक फैसला लिया गया है। ये जिहड़ा फैसला एक बहुत शलाघाजोग फैसला है। मैं एज ए सिख होण दे नाते इस फैसले का स्वागत करदा और उम्मीद करदा कि सारे नूं इहो जिहे फैसले जिहड़े चंगे फैसले हुंदे हैगे ने उहदा स्वागत करना चाहीदा है, क्योंकि कई बार हुंदा है ये जिहड़े फैसले हुंदे हैगे ने ये पोलिटिकल आइडियालॉजी तो लैके पोलिटिकल पार्टियां तो उपर उठ के लए जांदे हैगे ने और प्रधानमंत्री जी ने यह साबित कर दिता गया। छोटे साहबजादियां की शहादत किन्ना हालातों के हुई हैगी सी वो हिस्से दे विच मैनूं जाण दी जरूरत नहीं और तुसीं आई मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं उस चीज़ बारे बहुत अच्छा ज्ञान होएगा कि जिन्हां दिनां दे विच 3 दिन लगातार छोटे साहबजादे ते टॉर्चर हुंदा है। छोटी उम्र दे विच माता गुजरी जी उत्थे हैगे ने ठंडे बुरज दे विच रख्या गया हैगा सरहंद दे विच, 3 दिन लगातार टॉर्चर करन तों बाद जदों नहीं ओहो जिहड़ी उत्थों दी मौके दी हकूमत सी वजीर खान सी सूबा सरहंद साहबजादियां नूं कन्विंस नहीं कर सकिया, उन्हां दा धर्म परिवर्तन नहीं कर सकिया, उन्हां नूं सिक्खी दे विच्चों उन्हां नूं इस्लाम दे विच नहीं तब्दील कर सकिया, ते उन्हां नूं साहबजादियां नूं इन्हां दिनां दे विच जिंदा नीहां दे विच चना दित्ता सी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट हैगा। और अज जेकर कोई प्रधानमंत्री एडा वड्डा फैसला लैंदा हैगा वो फैसले का स्वागत करना चाहिए। और सानू पता है ये फैसले कोई छोटे फैसले नहीं होंदे, किसी भी पोलिटिकल लीडर दे लई उस लीडर का स्टेटस एडा वड्डा हुंदा है वो एज ए स्टेट्समैन फैसला लैंदे हैगे ने। ये फैसले के पिछे ये भी देखना चाहिए हैगा ये सिख कम्यूनिटी नूं मी एज ए सिख, क्योंकि साडी पापूलेशन इंडिया दे विच भारत दे विच 2% भी नहीं हैगी और इस फैसले दे विच वो एक मैसेज भी दे रहे हैगे ने कि इहदे विच इंडिया एक भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैगी, इत्थे अलग अलग तरह के धर्मां दे जाति दे लोकी रहिंदे होणगे पर सारयां दा स्वागत है, तुसीं विगाने नहीं। ये अपनापन दा फैसला हैगा, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। और ये फैसला लैन वास्ते तुहानू बहुत गट्स चाहिए है और किसी भी लीडर दे लई एडा वड्डा फैसला लैना कोई छोटा नहीं हुंदा हैगा। ये एक पोलिटिकल पार्टी का फैसला नहीं हो सकता हैगा, ये उन्हां दा विजन हैगा, उन्हां दा वड्डापन हैगा, वो सानू अपना समझदे हैगे ने। जे कोई तुहानू कोई अपना समझदा हैगा उहनू ये ना सोचो वो तुहाडे तों कोई डरदा हैगा जां वो तुहाडे तों कोई कुछ लै जूगा, ये छोटी सोच दियां निशानियां हुंदियां ने जिहड़े लोकी ये सोच रहे हैगे ने, जिहड़े ईवन के इन्ने सोहणे पवित्र फैसले की सलाघा करन दी बजाय क्रिटिसाइज़ कर रहे हैगे ने। आई थिंक ये बहुत ये जिहड़े लोकी हैगे ने वो सिक्खी तो बहुत लखां कोहां दूर हैगे ने। एक पग बनण दे नाल दाढ़ी रखण दे नाल कोई सिख नहीं बन जांदा हैगा। और प्रधानमंत्री जी ने जिहड़े फैसले लै रहे हैगे ने स्पैशली सिखां दे लई लै रहे हैगे ने
मैं ये मानता हैगा वह भी सिक्खी तो कोई दूर नहीं है। बहुत लोग है जिहड़े पंजाब दे विच पैदा नहीं होए वह भी सिक्खी के बहुत क्लोज है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने साडी सिक्खी का ठेका लै चुके है, वो ठेकेदार बन के बैठ के है, वो सोचते ने भी नहीं वो जिहड़ी गुरु नानक देव जी की सिक्खी हैगी सी, गुरु गोबिंद सिंह जी की सिक्खी हैगी है, उन्होंने समुद्र नूं कुजे च पाउण की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के वास्ते। कुछ जिहड़े बाहर साडे सज्जन बैठे है अमरीका कनेडा दे विच, वह सिर्फ अपनी दुकानदारियों तो उपर उठ के कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो दुकानदारियां चलाने वास्ते जिहड़े कौम दे लई चंगे फैसले हुंदे हैगे ने उन्हां नूं भी एप्रीशिएट नहीं कदे कर सकते, उन्हां दा माजरा नहीं इन्ना वड्डा हैगा। और तुसीं जाके हिस्ट्री दे विच जाके देख लो गुरु गोबिंद सिंह जी दी सारे परिवार ने किड्डी वड्डी कुरबानी हैगी है। गुरु तेग बहादुर जी जदों शहादत देण गए हैगे ने उन्हां दे नाल भी भाई मतीदास सतीदास दयाला जी भी गए है। उस तो बाद गुरु साहब दी किन्नियां वड्डियां कुरबानियां है, चारे साहबजादे माता जी इस सारी उहदे लई कुरबान कर देना है, छोटी जी गल नहीं है। और तुहानू कोई बंदा एडा वड्डा लीडर देश का प्राइम मिनिस्टर कोई चंगे फैसले लैंदा हैगा और तुसीं आपां नूं क्रिटिसाइज़ करदे हैगे आ, इस तों वड्डी साडी त्रासदी नहीं हो सकती कोई। वो लोग जिहड़े इस फैसले की भी विरोधता करते हैं, मैं उन्हां नूं बेनती करदा हैगा परमात्मा तुहानूं समत बख्शे, अकल नूं हथ मार लो। और जिहड़ा बंदा तुहाडे लई कोई चंगा काम करदा हैगा तुसीं उहदे उल्ट पैने हैगे हो, और जिहड़ा तुहाडी ठगाई करदा हैगा तुसीं उहनूं कदे बुरा नहीं कहिंदे हैगे। पिछले समय दे विच क्योंकि असी बाहरले मुल्कां दे विच रहिंदे हैगे आ, बाहरों असी देख रहे हैगे आ, कुछ भी होवे इस प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने जो सिखां दे लई करिया हैगा उह जाके देख लो 1947 तों लैके अज तक देख लो तुहाडे लई किसे किस प्रधानमंत्री ने की करिया हैगा और तुहाडी ठकाई किन्नी करी हैगी उहनां ने। जिहड़ियां सच्चियां गल्लां हुंदियां ने कौड़ियां लगदियां हैगियां ने। इस प्रधानमंत्री ने आउट ऑफ द वे जाके तुहाडी जिहड़ी ब्लैकलिस्ट जिहड़ी पिछले समय तो चली आ रही हैगी सी कांग्रेस दे टाइम दे उत्तों 30-35 साल दे जिहड़े लोकी नहीं जा सकते हैगे सीगे वो ब्लैकलिस्ट खत्म करवाती। साडे वर्गे लोकी जिहड़े इत्थे फसे बैठे हैगे सी, धक्के खांदे सी अमरीका कनेडा दे विच पोलीटिकल असाइलम लै के, वो कदे वापस नहीं जा सकते हैगे सी। उन्हां नूं पासपोर्ट ते वीजे दित्ते हैगे, SGPC नूं FCRA नंबर दित्ता ताँ जो बाहरों साडे वर्गे लोकी कोई भी उत्थे जाके प्रोपरली डोनेट कर सकदा बाहर बैठ के। गुरु नानक देव जी का और गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी का जो बर्थडे सैलीब्रेट करिया जो आने वाले दिनों दे विच कर रहे हैगे ने, की कदे सोच सकते हैगे सी। और दूजे पासे तुसी देख लो जिन्हां दे तुसी बहुत रहन ना बने 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 बैठे हुंदे हैगे हो 84 दे विच तुहाडे नाल की करिया हैगा, वो तुहाडे भैणां भरावां दे नाल की हालात होए हैगे ने, वो मैं कोई अपने कोलों नहीं कह रहा, वो हिस्टोरिकल फैक्ट हैगा। गलां दे विच जो टायर पैंदे सी धीआं भैणां नूं चुक के तुहाडी इज्जत रोली जांदी हैगी सी, वह भी दिन हुंदे हैगे सीगे। अज के प्रधानमंत्री हैगा सारी दुनिया दे विच, नॉट पंजाब दे विच ही नहीं सिर्फ सारी दुनिया दे विच, हर एक राजभवन दे विच, हर एक कौंसलेट दे विच, अंबैसियां दे विच तुहाडे पाठ करवाए जा रहे हैगे ने। इस तो बड़ा की मैसेज हो सकता है, ये त्रासदी साडी हैगी है। साडे लोगों के कुछ थोड़े जे लोग है जिहड़े ठेकेदार बने बैठे है अपने आप में, वह कहिंदे ने भी नहीं असी सिख है, असी फैसले लै सकते हैं सिक्खी दे, उन्हां दी बहुत वड्डी गलतफहमी है। सिर्फ उन्हां लोगों की आ जिहड़ी जिहड़ी छोटेपण की छोटे दिमाग की जिहड़ी सोच हैगी है वह सिक्खी नूं बहुत बहुत दुनिया दे विच सिक्खी दा घाण कर रही हैगी है। सिक्खी कले सिखां दी नहीं हैगी, सिक्खी कले पंजाबियों की नहीं हैगी, सिक्खी दे विच बहुत लोगों की कंट्रीब्यूशन हैगी है। इस सिक्खी दे विच बहुत लोग इस चीज़ के नाल जुड़े हुए हैगे ने और होर भी जुड़ना चाहते हैं ने। आज तुहाडियां करतूतां की वजह करके कुछ जिहड़े जिहड़े चार टोट रूप बाहर भी फिरदे हैगे ने, इन्हां दी वजह करके लोग अपने भी तुहाडे तों दूर हुंदे जा रहे हैगे ने। समझो, हथ मार लो, कोई चंगा फैसला कोई लैंदा हैगा तुहानूं अपना समझदा हैगा सीने नाल लाउंदा है
उन्हों एप्रीशिएट करो, हर गल ते विरोधता ना करो। मैं परमात्मा अगे अरदास करूँगा, प्रधानमंत्री जी आए सीगे, भारत दे विच आए, पंजाब दे विच आए सीगे, लोकी कहिंदे सी हाँ जी हुण 56 इंच दा सीना कित्थे चला गया हैगा, उत्थे जा के उह डर के चले गए हैगे। ये देखो ये तुहाडी छोटेपण दी सोच हुंदी हैगी है। उस बंदे ने जाके दिल्ली ये सारा कुछ होने के बावजूद भी, नाराजगी के बावजूद भी तुहाडे हक दे विच फैसले कर रहे हैगे ने, यह हुंदी है स्टेट्समैन। और तुहाडे जिहड़े अपने हैगे ने, तुहाडी इत्थे ठकाई कर रहे हैगे ने, तुहाडे पंजाब च ठकाई कर रहे हैगे ने, वो बंदा तुहानूं आलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ का पैकेज लैके आया हैगा, घरें आई लक्ष्मी तुसीं मोड़ रहे हैगे हो। इस तो बड़ी त्रासदी की हो सकती है पंजाब के लोगों की, समझो उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा। पोलीटिकली इन्ने भी तुसीं स्ट्रोंग नहीं हैगे, इन्नी भी सीटां नहीं हैगियां, वो लोग तुहानूं सीने नाल ला रहे हैं, उन्होंने पता भी तुहाडियां कुर्बानियां की हैगियां ने, इस करके वो अपना समझते हैगे ने, वो तेरे तो कुछ लैन नहीं आ रहे, तुहानूं देण आ रहे हैगे ने, असी भजा दिता जी, असी ऐं करता वाह करता, फड़ा मारी जानी हैगी फोकियां फड़ा। वो हालात जिहड़े हैगे ने पंजाब दे, सानू इन्हां लोकां दी बहुत जरूरत है, पंजाब नूं सेंटर दी बहुत ज़्यादा जरूरत है। जे ना सही फैसले लए गए हैगे आने वाले कुछ सालों के, पंजाब नूं डुब्बण तो कोई नहीं बचा सकता हैगा। उस वास्ते सिर जोड़ के बैठ के इन्हां लोकां दे नाल डायलॉग करन दी, और चंगे फैसले एक दूजे दे विच जिहड़ी कोई डिफरेंसिस हैगा वो तो दूर हो के लोंग टर्म तुसी देखो, अपनी कम्यूनिटी बारे देखो, आने वाली जनरेशन बारे देखो। जिनी देर तुहाडे कोल इत्थे कोई इंप्लॉयमेंट का साधन नहीं होएगा, रुजगार नहीं होएगा, तुहाडे बच्चे जिस तरह अज कनेडा अमेरिका दे नूं भजे जा रहे हैगे ने, जां आस्ट्रेलिया नूं भजे जा रहे ने, वो जाणगे तुहाडा पंजाब वैसे ही खाली हो जाएगा। और जो खेती दे हालात हैगे ने, घाटे का सौदा बन गई हैगी तुहाडी खेती, उहदे विच डाइवर्सीफिकेशन की बहुत जरूरत हैगी है। लखां करोड़ों का जिहड़ा लखां दा करजा हैगा उहदी माफ करवाउणा, और सेंटर तो बिना तुहाडी स्टेट हैगी है एक महीना नहीं चल सकती हैगी, जे सेंटर दीयां पॉलिसियां तो बिना। और तुसीं जिहड़ा कोई बाहरों आया मेहमान है उहदे पिछे डांग पहलां कढ लैणे हैगी। सोचो थोड़ा जिहा, मैं पंजाब दे लोकां नूं भी बेनती करदा, तुसीं बहादुर हो, सूरमे हो, तुहाडियां बहुत कुरबानियां हैगियां ने, पर आ जिहड़ा टाइम हैगा सोचो इन्हां लोकां नूं जिहड़े इस तरह की विरोधता करदे हैगे ने, इदां दीयां गल्लां करदे हैगे ने, इह तुहाडा फर्ज बणदा हैगा, कोई बाहरों आ के नहीं करूगा, तुहानूं आप उठना पऊगा हैगा। सिख कम्यूनिटी दे विच, पंजाबी कम्यूनिटी दे विच जिहड़े चुप करे बैठे हैगे ने, सप्रैस हैगे ने, मैं उन्हां नूं भी बेनती करदा हैगा, जो गल माड़ी है उन्हूं माड़ी कहण दी हिम्मत करो। ये जिहड़े 2.5 टोटरू हैगे ने, ये सारी कम्यूनिटी का जिहड़ा घाण करवा रहे हैगे ने, सिर्फ अपनियां दुकानदारियां करके जां अपनी राजनीति करके, इन्हां नूं सवाल पुछो, और सवाल पुछणे तुहाडा फर्ज बनता हैगा। जे तुसीं नहीं पुछोगे कोई बाहर ला के नहीं पुछूगा। जदों वक्त पैंदा हैगा सिखां दे उत्ते, और इन्हां लोकां नी बांह फड़ी हैगी है, अफगानिस्तान दे सिखां दा देखो की हाल हैगा सीगा उत्थे उस सिचुएशन दे विच, और नॉट ओनली सारी कम्यूनिटी नूं कढ़िया हैगा, और गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ा नूं जिहड़ा हैगा किस सन्मान दे नाल दिल्ली लैके आंदा हैगा अफगानिस्तान तो। देखो इस तो बाद की कर सकता तुहाडा, जे फिर भी तुसीं कहोगे नहीं जी वो तो साढ़े दुश्मन हैगे ने, इहदे पिछे भी कोई चाल हैगा जी, हर एक गल नूं तुसीं चाल समझदे हैगे हो, तुहाडे लई बंदा चंगा भी करदा है इहदे पिछे कोई राज है, चाल है, तुहाडे दो छोटे जे बंदे हैगे ने जिहड़े तुहानूं अगे लाई फिरदे हैगे ने। आइडेंटिफाई करो, उहनां नूं क्वेश्चन करो। ये मेरी सारी सिख कम्यूनिटी नूं बेनती है, कोई चंगा फैसला कोई भी बंदा लैंदा हैगा किसी भी पार्टी का हैगा, उन्हूं चंगा कहो, उन्हूं एप्रीशिएट करो, बजाय क्यों तो उंगली उठाउण दी बजाय।
हमेशा उंगली उठाने की कोशिश करो। मोदी साहब ने जिहड़ा फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है। मैं एज ए सिख आई एम प्राउड टू बी ए सिख, एज ए सिख मैं उस चीज़ की शलाघा करता है और मैं ये भी बेनती करदा कि परमात्मा इन्हों जे लीडर जिहड़े सिखा दे लई जां अहज होर भी कोई भी लीडर जिहड़ा सिखा दे लई कोई पॉजिटिव जां पंजाबियों दे लई इस इन्हां दिनां दे विच स्पैशली जदों बड़ी संकट की कड़ी दे विचों पंजाब गुजर रहा है कोई फैसले लै रहे हैं परमात्मा उन्हां लीडरां नूं चढ़दी कला दे विच रखे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।